उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होगा। इनमें से 40 सीटों पर मौजूदा विधायक फिर से मैदान में हैं। इन 40 विधायकों में से 12 ऐसे हैं जिनकी उम्र पिछले 5 साल में या तो ज्यादा बढ़ गई या जरूरत से कम रह गई। एक विधायक तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 साल में 9 साल बढ़ी है। यहाँ तक कि गन्ना मंत्री सुरेश राणा की उम्र में भी 5 साल में 7 साल का इजाफा हुआ है। आइए जानते हैं इन 12 विधायकों और उनकी उम्र में हुए इजाफे के बारे में। थाना भवन से भाजपा उम्मीदवार और गन्ना मंत्री सुरेश राणा की उम्र पिछले 5 साल में 7 साल बढ़ी है। 2017 में दिए हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 44 साल बताई थी। इस बार के हलफनामे में उनकी उम्र 51 साल हो गई है। पुरकाजी सुरक्षित सीट से भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा विधायक प्रमोद उटवाल की उम्र भी 5 साल में 8 साल बढ़ी है। 2017 में उन्होंने अपनी उम्र 49 साल बताई थी। इस बार के हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 57 साल बताई है। जेवर से रालोद उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना की उम्र 5 साल में केवल 4 साल बढ़ी है। 2017 में भड़ाना भाजपा के टिकट पर मीरापुर सीट से जीते थे, तब उन्होंने अपनी उम्र 60 साल बताई थी। इस बार के हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 64 साल बताई है। छपरौली से भाजपा उम्मीदवार सहेंद्र सिंह रमाला की उम्र 5 साल में केवल 3 साल बढ़ी है। 2017 में रमाला रालोद के टिकट पर जीते थे, उस वक्त दिए हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 53 साल बताई थी। अब की बार रमाला ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें उन्होंने अपनी उम्र 56 साल बताई है। मोदी नगर से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर मंजू शिवाद की उम्र 5 साल में केवल 4 साल बढ़ी है। 2017 में उन्होंने अपनी उम्र 55 साल बताई थी, इस बार उन्होंने अपनी उम्र 59 साल बताई है। हापुड़ से भाजपा उम्मीदवार विजय पाल ने इस बार अपनी उम्र 50 साल बताई है। 2017 में उन्होंने अपनी उम्र 41 साल बताई थी, यानी पिछले 5 साल में उनकी उम्र में 9 साल का इजाफा हुआ है। शिकारपुर से भाजपा उम्मीदवार अनिल कुमार की उम्र में 5 साल में 6 साल का इजाफा हुआ है। 2017 में वो 53 साल के थे, 2022 के हलफनामे में उनकी उम्र 59 साल हो गई है। खैर विधायक अनूप प्रधान वाल्मीकि की उम्र 5 साल में सिर्फ 4 साल बढ़ी है। 2017 में उन्होंने अपनी उम्र 36 साल बताई थी, इस बार के हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 40 साल बताई है। अतरौली से भाजपा उम्मीदवार संदीप कुमार सिंह इस वक्त 30 साल के हैं। 2017 में उन्होंने अपनी उम्र 26 साल बताई थी, यानी 5 साल में उनकी उम्र सिर्फ 4 साल बढ़ी। छर्रा से भाजपा विधायक रविंद्र पाल सिंह की उम्र में 5 साल में सिर्फ 4 साल का इजाफा हुआ। इस बार दाखिल किए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 57 साल बताई है। 2017 के हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 53 साल बताई थी। कोल विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिल पाराशर ने इस बार अपनी उम्र 50 साल बताई है। 2017 में उन्होंने अपनी उम्र 46 साल बताई थी, यानी उनकी उम्र में भी पिछले 5 साल में 4 साल का इजाफा हुआ है। बलदेव से भाजपा विधायक पूरन प्रकाश की उम्र में भी 5 साल में सिर्फ 4 साल का इजाफा हुआ है। 2017 के हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 62 साल बताई थी, इस बार के हलफनामे में उनकी उम्र 66 साल है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।